नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंका टिक रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बादाम पट्टी, जिसे चकली के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने ले लिया है कढ़ाई, गैस को जला लिया है। इसमें हम 300 ग्राम डालेंगे चिनिया बादाम, हमारे छिलके सहित है। आप के पास अगर छिलके बिना छिलके के हैं तो आप उसे डालिए, क्योंकि इसका छिलका उतारना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत और लगती है। इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, गैस का फ्लेम हमारा लो रहेगा। हमारे बादाम भून चुका है, अब इसको हम थाली में निकाल लेंगे, थोड़ी देर ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसका हम छिलका उतार लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है, हमने ले लिया है 300 ग्राम गुड़। आप चाहे तो 300 ग्राम चीनी में भी बना सकते हैं। गुड़ को हमने कूट के रखा था। उसको हम चलाते हुए बनाएंगे, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा और हमारे गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, लो ही रहेगा, मीडियम लो। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड़ हमारा गल चुका है, इसको हम चलाते हुए बनाएंगे थोड़ा, कि थोड़ा चिपचिपा हो जाए अच्छे से, नहीं तो हमारी पट्टी अच्छी नहीं बनेगी। गुड़ हमारा तैयार हो गया है, अब हम थाली के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी चिपकेगी नहीं। हमने अपना गैस बंद नहीं किया है, एकदम लो कर दिया है, और इसी के साथ हम अपना बादाम भी डालेंगे। देखिए, हमने छिलका को उतार लिया है अच्छे से, इसको थोड़ा कुट लिया है, अच्छे से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। गुड़ हमारा गर्म है तो मैं थोड़ी चलाएंगे। हमने अपने पट्टी को निकाल लिया है थाली के ऊपर, अब इसको हम एक कटोरी के अंदर पीछे से तेल लगाया था और उसी के सहारे से हम इसको दबा रहे हैं। आप चाहे तो बेलन में तेल लगाकर उसे दबा सकते हैं। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद काटेंगे। हमने काट लिया है चकली को, बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों। आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कितनी अच्छी बनी है।